अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका। आई होप कि सब खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे बहुत खुश होंगे। तो ये जी लास्ट वीक की वीडियो है और लास्ट वीक में आया हुआ था यहाँ पे स्नो स्टॉर्म और ये हुआ था, स्टार्टिंग पॉइंट था, स्नो स्टॉर्म था, हवा भी चल रही थी और स्नो भी बहुत ज़्यादा थी। और फिर उस दिन एबिश ने हमें अपनी कुकिंग स्किल से भी आशना करवाया और हमारे लिए बहुत ही मज़े का नूडल्स बनाए। तो ये आप देख सकते हैं, ये नूडल्स की सर्विंग हो रही है इफ्तारी से बिल्कुल पहले, प्लेट्स बन रही हैं और बहुत ही यम्मी किस्म के नूडल्स थे ये। तो इनका नाम जो है वो तो मैं भूल गई हूँ, तो नाम एविश से पूछ के तो मैं ज़रूर आपको फिर कभी किसी वीडियो में जो है वो मेंशन कर दूंगी। लेकिन बहरहाल बहुत ही यम्मी थे ये नूडल्स। और दूसरी साइड पे ये पकोड़े बन रहे हैं और ये अलग तैयारी जो है वो चल रही है। तो अफ्तारी पे काफ़ी सालों बाद बहुत ही मज़ा आया और ये उसी रात में मज़ीद जो है वो स्नो पड़ी थी। मैं आपको दिखाती हूँ बाहर क्या से सुबह कितनी स्नो थी और फिर रात को कितनी स्नो हो गई थी। ये देखें, स्नो का जो लेवल है वो मज़ीद बढ़ गया था। ये उससे नेक्स्ट डे जो है वो इफ्तारी में बर्गर्स बने थे, सूप बना था और ये बाजी की स्पेशल पिंक चटनी बनी थी और बहुत ही यमी था ये भी सब कुछ। इसके अलावा चिप्स भी बने थे और ये कटलेट भी बनाए थे बाजी ने। तो बहुत इंजॉय हो रहा है यहाँ पे रमज़ान। मिशल अजान हो रही है। भाई क्या हो रहा है आज मिशा? वैसे कहा आज हम देख रही है स्नो। मैं भी देख रही हूँ। खाते नहीं है, बहुत ज्यादा स्नो है।
लेकिन एक मैं बात बताऊंगी जिसका आएगा उसको भी खाना पड़ेगा। घर पे कोई एक्टिविटी की फिर रोना नहीं है तो मैंने खा लिया। फन किया जाए तो हमने ये गेम जो थी वो टिकटॉक पे देखी थी, तो हमने कहा हम भी ट्राई करते हैं ओरियो को जो है वो रोल करके डालना। अदही बाप कर लो पहले, लेकिन शुरू में प्रॉब्लम। देखो ट्राई भी तो करो जाता ही नहीं। जो ग्लासेस हैं वो उनमें गैप था, तो गैप की वजह से हमारा टेबल भी बहुत लंबा था, तो ये गेम खेलने में हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुझे लग तो आप देख सकते हैं कि कितनी हमने ज़्यादा ट्राई की इसको रोल करके। वैसे काफ़ी तरीक़ों से ओरियो फेंका, ओरियो टूट गया लेकिन ग्लासेस के अंदर नहीं गया। फिर हमें एक आइडिया आया कि हम बॉल्स को डालते हैं और फिर ओरियो जो है वो डिप करके खाएँगे जिसमें भी गिरेगा। तो जूस था, पानी था, दूध था, चिली सॉस थी और गार्लिक सॉस थी। बॉल से भी ट्राई किया था, ये छोटी छोटी बॉल्स थी और गैप की वजह से किसी में भी जा ही नहीं रहा था। तो जा भी रहा था तो सेंटर में मिल्क था उसी में जा रहा था, तो फिर हमने ग्लासेस को थोड़ा क्रीप किया और दूध की जगह भी चेंज की ताकि ज़्यादा यार टेबल बहुत लंबा है। मसला ये है टेबल बहुत लंबा है। हाँ बाप करो मैंने भी खेलना ये। अच्छा दूध सेंटर में अब मजा आएगा जब चीनी चले 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 डैडी यस जीत गई मिशन। चलो अब आप ही की बारी। बच गई तुम्हारा दो इसको। फास्ट कर रही है, स्लो करो स्लो करो स्लो करो स्लो। जूस बच गई। अभी फिर फास्ट किया पकड़ो जूस में डुबो और खा के दिखाओ। इसको धो के लाओ। जूस नहीं वो आप ही का गया ना जूस में। एक मिनट पूरा दोबारा या पूरा एक ही बाइट में खा जो फिर। चिली ओरियो पकड़ो। मिशेल मिर्ची है ये मिशेल चम्मच से ना ये धो के लाना चिली वाली। अभी पहले इसको खा तेरे उसको खाता देख लो तुम्हें। हाँ चलो आप एक ही दफा डाल लूं। मैं करूंगी। खाना चलो ये खा लो। अब मीठा खा लो ना बाकी। मैं कैसा टेस्ट आया? मैं ये भी धो के लाना पड़ेगा। चम्मच भी धो लाऊं पानी। डालो डालो एक बार तो लो सही से। ये कड़वा नहीं है वियर्ड है। डार्क केक
sorry. I like it. You like it? No, I can't watch it. Honey? हाँ नहीं तो खा रही है बड़े आराम से। फिर उसके बाद ये लास्ट फ्राइडे की वीडियो है। फ्राइडे को हमने पिज़्ज़ा एंजॉय किया था। आई थिंक थर्सडे किया है, मैं भूल गई हूँ थर्सडे या फ्राइडे की। तो फिर हमने की थी पिज़्ज़ा पार्टी। मैंने बच्चों को कहा कि हम खाते हैं पिज़्ज़ा, तो यहाँ पे फिर पिज़्ज़ा हट से हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किए थे। एक चीज़ पिज़्ज़ा था, कबाब पिज़्ज़ा था और चिकन सुप्रीम था। तो स्वीडन का पिज़्ज़ा हट इतना कोई मुझे पसंद नहीं आया टेस्ट। जर्मनी का पिज़्ज़ा हट फिर भी बहुत बेहतर है। तो उसके बाद फिर नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद थोड़ा बहुत टीवी देखा और इस तरह हमारा जो है वो वीकेंड स्टार्ट हो गया था। तो ये था एक छोटा सा व्लॉग और आई थिंक आपको ज़रूर पसंद आया होगा। लेकिन आप लोग जो है वो कमेंट में बिल्कुल भी मुझे नहीं बताते कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। तो प्लीज़ आपने कमेंट्स में बताना है और वीडियो को लाइक भी करना है। तो अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।